रहा है। और देखिए, कड़ी सुरक्षा जरूर है यहाँ पर, क्योंकि संवेदनशीलता भी है इस पूरे मामले में। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं कतारों में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनके ओर से दर्शन पूजन किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर भी आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से। अब देखिए, अयोध्या में हमने देखा कि वहां पर भी जो भक्तों का एक भाव था वो देखने को मिला। अब कुछ उसी तरीके का भाव यहां पर भी दिखता नजर आ रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं भक्तगण यहां पर पहुंचे और साथ ही उनके ओर से दर्शन किया गया। तो सभी श्रद्धालुओं के लिए जरोखा यहां पर खुला, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, एक तस्वीर आपको वो दिखा रहे हैं जो कि पूजा अर्चना यहां पर की गई, उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। व्यास जी तहखाने में जो पूजा अर्चना की गई, एक उसकी वीडियो आपके सामने है। तो वहीं दूसरी तरफ जो भक्तगण जिनके लिए जरोखा खुला यहां पर दर्शन कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें इस समय आपके सामने, दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वाराणसी से। साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर, पहली तस्वीर में आप देखिए जो पूजा अर्चना हुई है कई सालों बाद और कई दशकों का जो इंतजार खत्म हुआ है, पहली तस्वीर वो। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए जो भक्तगण यहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरीके से उनकी ओर से हाथ जोड़कर दर्शन किया जा रहा है। तो झरोखा खुला है और इसी के साथ जो भक्तगण हैं यहां पर वो भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तो यानवापी में महादेव की जय जयकार सुनाई दे रही है, हालांकि सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। तो सुरक्षा का भी ध्यान यहां पर रखा जा रहा है। जो भक्तगण यहां पर पहुंच रहे हैं वो दर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, दो तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष को कई आपत्तियां हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो भक्ति भाव है जो शिव भक्तों का, वो इस समय चरम सीमा पर है। तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ वो पूजा की तस्वीर जो कि दशकों बाद हुई है और दूसरी तरफ वो तस्वीर। ये सनातन का देश भारतवर्ष से ये दुनिया देख ले के सत्य पर सत्य की विजय का, वो भी न्यायालय के हर किसी को यहाँ पर जो अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार दिया रखा गया है। उन्होंने अपने न्यायालय में गए और न्यायालय में सारे साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और साक्ष्यों को जो है हमारे ये प्रमाणित किया कि ये मंदिर है और उसके कारण से जो है हमको मंदिर को जो है पूजा अर्चन का सब कुछ दिया गया, जैसे पूर्ववत था वैसे जो है दिया गया। ये इसके लिए हम जो है माननीय न्यायालय के अपने भारतवर्ष की जिस न्याय व्यवस्था को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं एक भारत की जनता होने के नाते। हाँ, मैं दर्शन करने गया था और श्री महर्षि प्रसाद पांडे जी भी साथ में हैं, इनके कुछ शिष्य लोग भी हैं, बाद में रेखा पाठक भी हैं। हम लोगों ने दर्शन किया, इसमें समान रूप से दर्शन हो रहा है, अंदर पूजन पाठ हो रही थी, हम लोगों ने देखा, दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। हाँ, हम लोगों के लिए स्पर्श जैसे नहीं हो जाता है, दर्शन के लिए खुला है, अभी सायंकाल से खुला है। हम लोग सूचना के बाद ही गए और महंत जी साथ में गए, दर्शन किए, वहाँ पर दो पुजारी बैठ के पूजा पाठ कर रहे थे जैसे हो रहा था, देख के अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा। आज बहुत खुशी हुई थी, जो हम लोग 92 सर्वे में गए थे और लग ही नहीं रहा था कि वही तहखाना है। इतना सुंदर सजा हुए वहाँ पे, मूर्ति रखा, दर्शन हुए, बहुत हमको बहुत खुशी हुई कि हम लोग का 92 का मेहनत आज रंग लग गया था। बहुत अच्छा लग रहा है कि 31 साल बाद ब्यास जी का तहखाना खुला है और उसमें आप रूप जैसे लग रहा है कि बाबा खुद वहाँ विराजमान हो गए। इतना भव्य, इतना सुंदर लग रहा है उसको देखने से। हाँ, नियमित पूजा शुरू हो गया, हो गया अंदर। तो अभी आपने सुना कि जो भक्तगण यहाँ पर पहुंच रहे हैं कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं और साथ ही ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो अंदर का नजारा है वो भाव विभोर कर देने वाला है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुशांत हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, देखिए भक्तों का रिएक्शन सामने आ रहा है और बात मैं यहां पर अयोध्या की भी करना चाहूंगी। अयोध्या से जिस तरीके का भाव निकल रहा था, ठीक उसी तरीके का भाव यहां से भी देखा जा रहा है। देखिए, कहा जाता है कि भगवान की भक्ति भक्त को भगवान से ही बड़ा बना देती है और यही चीजें अयोध्या से गाद अब ज्ञानवापी में देखने को मिल रही है, जहां पर अपने आराध्य को 3 दशकों के बाद
अपने सामने देख दर्शन पाकर लोग भाव विभोर हो जा रहे हैं। लोगों ने कभी सोचा नहीं था इतना जल्दी जहाँ पर वो बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग देखते थे वहां पर अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। और यही कारण है कि आज जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जा रहा है वो तहखाने में प्रभु को अपने सामने देखकर अपने जो भावनाएं हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उनके मुंह से बरबस निकल जा रहा है कि आज ये दिन इतना जल्दी आएगा ये हमने कभी नहीं सोचा था। और यही बात जब हमने भी उन भक्तों से की तब उन्होंने भी कहा कि बहुत देर हुई मगर उम्मीद थी, आज वो उम्मीद पूरी हुई और हमारे आराध्य हमारे सामने है। और इसीलिए अब जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएगा उसे अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वही रास्ता है जो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए लोग जाते हैं वहीं पर भक्त बड़े ही आराम से तहखाने में जो ईश्वर है उनका दर्शन करते हुए वो आगे बढ़ सकता है। इसके लिए अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और वहां पर जिस तरीके से आरती की व्यवस्था की गई है, रोग की व्यवस्था की गई है, नियमित रूप से पूजा पाठ भी शुरू हो गया है, तो एक बहुत बड़ी लोगों की उम्मीद थी जो आज पूरी हुई है। और अयोध्या के बाद अब ज्ञानवासी में तय खड़े हैं कि ईश्वर के दर्शन मिलने शुरू हो गए हैं। और इसे लेकर के आम भक्तों में उम्मीद है कि जिस तरीके से हिंदू पक्ष न्यायालय में केस लड़ रहा है जल्द ही स्वामित्व का अधिकार भी उन्हें मिल सकता है। सुशांत देखिए इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से चीजें चली आ रही है भक्तों की संख्या में कितना इजाफा देखने को मिल रहा है पहले के मुकाबले? देखिए पूरे अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद जिस तरीके से भक्तों का एक सैलाब उमड़ा था काशी में वो सैलाब और तेजी से अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो भी भगवान श्री राम के दर्शन करने अयोध्या जा रहा है वो प्रभु के आराध्य भगवान शिव के दर्शन करने काशी जरूर आता है। और जो काशी आ रहा है वो भगवान शिव के आराध्य के दर्शन करने प्रभु श्री राम के पास जा रहे हैं। इसके साथ ही अब जिस तरीके से तहखाने में दर्शन की व्यवस्था की गई है ऐसे में आम जनमानस में और भी ज्यादा खुशी की लहर है। भक्ति इतनी बढ़ गई है कि लोग लगातार काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ तहखाने के दर्शन के लिए जो लोग सुबह गए थे वो फिर से एक बार कतार में खड़े होकर अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि किस तरीके से भक्तों में दर्शन करने की होड़ की लगी हुई है। और जैसे जैसे दिन बीतेगा माना जा रहा है भक्तों का यह सैलाब और भी तेजी से दुगुना से तिगुना, तिगुना से चारगुना होने की उम्मीद जताई जा रही है। सुशांत अक्सर नेताओं के भाषण में और साथ ही जो भक्त है उनके विश्वास में हमने ये लोगों को कहते सुना है कि सनातन युग की शुरुआत हो रही है। सही मायनों में क्या दिखाई देता है कि जो सनातन युग की शुरुआत है वो इसी तरीके से यहाँ पर देखी जा रही है? देखिए सनातन युग की जहाँ तक बात की जाए सनातन युग हमेशा से रहा है। ये तो हमारे वो मंदिर थे जो लोग हिंदू पक्ष लगातार बात कर रहा है, ये तो हमारे वो मंदिर है जहाँ पर हमारे आराध्य वर्षों से कैद है। वर्षों से उन्हें पूजन नहीं हुआ, उनकी भोग आरती नहीं हुई, उनका भंडारा नहीं हुआ, ये सारी चीजें वर्षों से जो लंबित है वो हक जो वर्षों पहले उन्हें मिलना चाहिए था वो आज धीरे धीरे संविधान के तहत कानून के अधिकार के तहत प्राप्त हो रहा है। और ऐसे में वो सभी मानते हैं कि ये जो शुरुआत है हमारी भक्ति जैसे जैसे हमारे भक्त मन के अंदर भावनाएं हैं उस तरीके से संविधान के तहत जो नियम है उससे बिल्कुल बिल्कुल सुशांत। और ये तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।